Hello everyone, my name is Abdul Qadir and welcome to getlectures.com. So I have cleared UGC NET JRF and Associate Professor in November 2017 exam. तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही जो कि आपके लिए हेल्प करेगी. ओके सो ये वीडियोस मैं इसीलिए बना रहा हूँ जिससे कि जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही उससे अगर आप कुछ भी पॉइंट्स उठा पाएँ अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा. ओके तो मैं पूरी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, मेरी सोर्सेज क्या रही, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा, पेपर वन के लिए प्रिपरेशन कैसे की, पेपर टू के लिए कैसे की और पेपर थ्री के लिए कैसे की, और आप अगर 6 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे करोगे, अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे करनी है, बिना जॉब के कर रहे हो तो कैसे करनी है, और एमटेक के फाइनल ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे करनी है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ओके तो इस वीडियो को पूरा देखें, मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉक क्या क्या गलतियाँ की जो मैंने जो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था. ओके फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा जनवरी 2017 में था जिसमें मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्वालिफाई कर पाया, JRF क्वालिफाई नहीं कर पाया. तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स थी मेरी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने नवंबर में पकड़ी, कुछ इम्प्रूव किया. ओके तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्वालिफाई कर रहे हैं, JRF क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा. क्योंकि मेरे साथ भी यही सीन था, मैं एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्वालिफाई कर पाया और फिर मैंने JRF भी क्वालिफाई कर दिया नवंबर में, तो कुछ चीज़ें इंप्रूव करी और इंप्रूव करने का फ़ायदा भी हुआ. ओके तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई हैव डन 10th एंड 12th फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड विद 55% एंड बीटेक फ्रॉम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी विद 70% एंड एमटेक फ्रॉम जी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज विद 76%. ओके सो तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन की थी. पहली चीज़ तो मैं जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एक यूनिवर्सिटी में वर्क भी कर रहा था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में, तो उसका मुझे फ़ायदा रहा. तो सबसे जो फ़ायदे में हैं जो प्रिपेयर करने वाले हैं, वो फ़ायदे में वो लोग हैं जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर स्पेशली उनकी जॉब जो है अगर वो टीचिंग की है. तो पहली चीज़ मैंने पेपर वन के लिए कैसे प्रिपरेशन की, तो पेपर वन के लिए अगर मैं जनवरी की बात करूँ, जनवरी 2017 में, तो मैंने पेपर वन कभी कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि पेपर वन में मैं और कॉन्फिडेंट था कि मैं सब कुछ कर ही जाऊँगा. तो उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं मारा गया पेपर वन में. पेपर वन में ही मेरे मार्क्स जो हैं बहुत कम थे और उसी की वजह से मेरा ओवरऑल जो है वो रिजल्ट ख़राब हो गया पेपर वन की वजह से ही. तो पेपर वन को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं जो कि ना करें, जो मैंने किया था. तो पेपर वन में मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सही करवाया और मेरे 40 मार्क्स ही थे सिर्फ, उसी की वजह से मेरा JRF रह गया. तो पेपर वन के लिए इस बार मैंने नवंबर में क्या किया, सबसे पहले मेरी गलती क्या थी, गलती ये थी पेपर वन को मैंने हल्के में लिया था जनवरी में. तो नवंबर वाले एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, सबसे पहले पेपर वन को ही प्रिपेयर किया. पेपर वन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए सिंपली getlectures.com, इस जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे पेपर वन के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं. पहले मैंने सबसे पहले 2 दिन पहले बैठ गया और उन सब वीडियोस को देख डाला, तो उन वीडियोस से ही 23 क्वेश्चंस मिल गए थे. सेकंड चीज़, एक यूजीनेट पेपर वन की एक बुक आती है मैकग्रॉ हिल की, वो बुक मैंने पूरी 2-3 दिन बैठ के वो पेपर पूरी बुक ही पढ़ डाली थी और उस बुक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए. तो पेपर वन के लिए प्रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सबके लिए कॉमन है, बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं. तो कोई भी एक बुक उठाओ और एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले बैठ के उस पूरी बुक को पढ़ डालो, मेन अच्छा तो यही है. अगर आप बुक पढ़ने में बोरिंग है आपके लिए तो सिंपली क्या करो, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब इतना ग्रो कर चुका है कि आपके पास में सारे चीज़ जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है. यहाँ चैनल पर आप देखोगे पेपर वन के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो या वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो या आपका इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के बारे में वीडियोस हैं. तो मैंने वही वीडियोस देखी 2 दिन के अंदर. तो मैंने पहले पेपर वन स्ट्रॉन्ग किया पूरा अपना. पेपर वन की सोर्सेज क्या रही मेरी, एक बुक, ओके, और ये वीडियोस. तो इनसे मेरा पेपर वन पूरा प्रिपेयर हो चुका था, लेकिन फिर भी नवंबर वाले एग्जाम में पेपर वन में इतना अच्छा नहीं कर पाया मैं क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ही बहुत कम किए थे, 24 क्वेश्चन सही थे और 48 मार्क्स थे. लेकिन मैं पेपर टू पे आया, तो पेपर टू के लिए जो मैंने प्रिपरेशन की थी, पेपर टू के लिए मेरी प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी थी क्योंकि मैं गेट के लिए पहले प्रिपरेशन कर चुका था और गेट भी मेरा 2-3 अच्छा क्वालिफाई हो गया था, अच्छे मार्क्स थे उसमें भी, तो गेट भी ढंग से हुआ. उसकी वजह से क्योंकि मैंने गेट की प्रिपरेशन कर चुका था तो पेपर टू की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो ही चुकी थी. क्योंकि जो आपका पेपर टू है यूजीसी नेट का, वो पेपर टू ऐसे हैं जैसे गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन. तो मैंने सिंपली क्या किया, पेपर टू के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सी, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी बीटेक के सब्जेक्ट्स हैं सारे, पेपर टू के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बीटेक के सब्जेक्ट्स. ओके बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जो गेट में नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++.
तो मैंने उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ी सी वीडियोस देखी, और बाकी चीज़ें जो पेपर टू के लिए था वो बाकी सब्जेक्ट वही थे जो गेट के लिए थे। तो पेपर टू के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि गेट के क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में है। तो गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि आप इजीली यूजीसी नेट के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे आराम से, क्योंकि जो यूजीसी नेट में और गेट में यही फर्क है। यूजीसी नेट में सिर्फ क्वेश्चन जो होंगे वो ऊपर ऊपर से पूछेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन गेट में क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ में पूछते हैं। क्योंकि अगर आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए क्योंकि बहुत ही डेप्थ में है, तो ऑब्वियसली यूजीसी नेट का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल हो, तो नॉर्मलाइजेशन गेट में कैसे पूछेंगे, गेट में पूरा एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी होंगी और आपसे पूछेंगे कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, डिकम्पोजिशन कैसे होगा। यूजी नेट में क्या पूछेंगे, किसकी सुपर कैंडिडेट कीज क्या होंगी, सिंपली बहुत फर्क है। भले ही यूजी नेट में एग्जाम में सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों, लेकिन वो अभी भी ईजियर देन गेट है। तो अच्छा फायदा क्या होगा कि आप अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इजी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने पहले गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद में यूजी नेट के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उसका फायदा ये हुआ कि मेरा बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो गई पेपर टू की। तो पेपर टू के लिए मैंने जो सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स थे, उनके लिए मैंने अपने गेट के नोट्स प्रेफर किए। उसके अलावा मैंने वीडियो लेक्चर्स और सिंपली जो बुक्स हैं, बुक्स के पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं, वो क्वेश्चन वो सब कुछ सॉल्व किया। तो उनमें अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पहले ही मैं ढंग से पढ़ ही चुका था गेट के लिए। तो हर एक, अगर आप लेट से आप कुछ भी नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल फ्रेश हो और आप कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, स्टिल आप 3 महीने में पूरी पूरी कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं आराम से। अगर 3 3 मंथ्स 8 आवर्स डेली, अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ते हो 3 मंथ तक, तो आप पूरे सारे के सारे कोर सब्जेक्ट ढंग से पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि आप बीटेक और एमटेक करके आ चुके हो पहले ही, तो ऑब्वियसली आपको तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। 3 महीने में सारे के सारे प्रिपेयर किए जा सकते हैं अगर आप डेली 4 आवर्स पढ़ रहे हो पेपर टू के लिए। ओके, तो अगर आप 6 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट से अगर आपका एग्जाम 2018 में जून में हो रहा है और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो पेपर टू के लिए आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए अप्रैल तक। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने रखी। मैंने जो आपके पेपर टू था उसके लिए जो थ्योरी थी, थ्योरी के लिए बुक्स, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स पढ़े जो मेरे अपने ही थे, और क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस मेन पार्ट है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस में मैंने डिफरेंट जो चीज़ की, डिफरेंट चीज़ यही थी कि मैंने पहले गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो पेपर थ्री की तरफ आएँ, तो पेपर थ्री में आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो कि लेट्स से 9 to 10, आपके 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेट में नहीं है लेकिन यूजीसी नेट में है। ओके, वो 10 10 सब्जेक्ट आपको पता है, वो सब एमटेक के सब्जेक्ट्स हैं। एमटेक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो एमटेक में हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। हो सकता है आपको, आपने कभी वो सब्जेक्ट देखा भी ना हो, तो आपको बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल नेटवर्क कभी हो सकता है किसी ने देखा भी ना हो, बीटेक में तो पढ़ते ही नहीं है, तो एमटेक में भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको वीडियोज ही देखनी होंगी। तो पेपर थ्री के लिए मैंने क्या किया, जो पहले जो पेपर टू के सब्जेक्ट्स थे वो तो हैं ही, जो पेपर टू में सारे सब्जेक्ट्स हैं कोर सब्जेक्ट्स, वो पेपर थ्री में भी आएंगे ही आएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा पेपर टू में अलग होगा और पेपर थ्री में अलग होगा। सेम टॉपिक सेम सब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखें, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पेपर टू में क्वेश्चन कैसा था कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ एड्रेसिंग लाइन्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, पेपर थ्री में क्वेश्चन कैसे था, पेपर थ्री में क्वेश्चन डीएमए पे बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके घुमा फिरा के। तो सब टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है पेपर थ्री में। तो आपके पास में जो बीटेक के सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट को पढ़ के पेपर थ्री क्रैक नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लोग जो होंगे, जो फेल होंगे, वो पेपर थ्री में हो रहे हैं। पेपर थ्री में क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि जो जो मैं भी पेपर थ्री में इसीलिए फेल हुआ था जनवरी में, क्योंकि मैंने वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मीन्स वही जो आपके डेटा माइनिंग, एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग और न्यूरल नेटवर्क, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको सारे नौ, ये 9 to 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि जो हाई लेवल के, जो आपके मास्टर लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सारे के सारे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है जेआरएफ के लिए। तो अगर आपको फर्स्ट रैंक ही लानी है, तो फिर तो सारे हर एक चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, तो फर्स्ट रैंक के लिए तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट पढ़ने में भी कोई 6 मंथ में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 6 मंथ में सारे के सारे किए जा सकते हैं कवर आराम से। तो अगर आपके पास में टाइम कम है, तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो पढ़े ही पढ़े इन इन सब सब्जेक्ट में। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा माइनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, और इन 3 सब्जेक्ट को मैंने बहुत ढंग से पढ़ा। क्यों, क्योंकि मैं हमारे जो getlectures.com का जो चैनल है उसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई, तो वो वीडियोज़ बनाने के लिए उन उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा। बस मेरी वही चीज़ जो थी वो मेरा जीआरएफ क्वालिफाई कर गई, क्योंकि
क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वही मेरे एग्ज़ाम में आया। ओके तो मैं इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, उनके पास सबसे बेस्ट चांस है कि वो प्रिपरेशन ढंग से कर पाएंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ढंग से जॉब कर रहे हो, ढंग से जॉब करने का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को डेप्थ में पढ़ रहे हो और अपने स्टूडेंट्स को डेप्थ में ही पढ़ा रहे हो। ओके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ़ायदे दो तरह से हो रहे हैं, आपका तो ग्रोथ हो ही रहा है पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनली भी आप ग्रो कर रहे हो, आपके स्टूडेंट का जो स्टूडेंट का फीडबैक होगा वो अलग ही होगा। ओके तो जब मैं जॉब कर रहा था, लेट्स मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जब मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने वही सब्जेक्ट चूज़ किए पढ़ाने के लिए जो मेरे एग्ज़ाम में मेरी हेल्प करने वाले हैं। ओके सो थैंक्स टू माय एचओडी, तो उन्होंने मुझे वही सब्जेक्ट्स दिए। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो सब चॉइसेस ना मिले, तो वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हों उन्हीं सब्जेक्ट को अगर आप डीप में पढ़ोगे एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, ऐसे पढ़ोगे मैं इसके इनको एग्ज़ाम में लिख, ये मेरे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके क्योंकि आप यूजी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो कोर सब्जेक्ट्स उनको आप ऐसे प्रिपेयर करोगे मैं एग्ज़ाम के लिए खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जब आप खुद के लिए प्रिपेयर करोगे तो उनको बहुत डीप में पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे तो स्टूडेंट को भी ढंग से एक्सप्लेन कर पाओगे क्लास में, तो ओके तो फ़ायदा ही हो रहा है। ओके उसके बाद में पेपर थ्री में मैंने ये तीन जो तीन सब्जेक्ट्स थे ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की, और पेपर थ्री में मैंने सेम स्ट्रेटेजी रखी। पेपर थ्री में सेम स्ट्रेटेजी क्या रखी कि पेपर थ्री में यूजी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जो पेपर टू है वो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन के इक्वल है, वही लेवल है, और जो पेपर थ्री है वो गेट के 2 मार्क्स के लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे वहाँ पे। तो यूजी नेट कभी कभी क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं जो गेट में आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं। तो मैं जो एडवाइस दूंगा पेपर थ्री के लिए वो ये है कि वो कोर सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही पढ़ें, साथ में 3 सब्जेक्ट और कोई एक्स्ट्रा उठा सकते हो, 3 या 4 सब्जेक्ट्स जैसे कि जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। ओके तो उनको प्रिपेयर करने के बाद में पहले गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में यूजी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने यही किया था, मैंने पहले गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बाद में यूजी नेट के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि उनका लेवल अलग ही है उन क्वेश्चन का। अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो तो ये तो आराम से सॉल्व कर ही जाओगे। ओके तो हर एक एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, यूजीसी नेट में भी 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सबको पता है वो कैसे हैं। पहला इजी, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स। अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, ना तो आप यूजीसी नेट ना तो आप JRF क्वालिफाई कर पाओगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजीसी नेट को दे रहे हैं तो उनमें से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ईजी वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके सेकेंड है मीडियम लेवल। तो अगर आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आप इजी और मीडियम दोनों सॉल्व कर पा रहे हो लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम है। ओके तो अगर आप इजी और मीडियम कर पा रहे हो तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन JRF तक अभी भी नहीं पहुँचे हो, अभी आप 190 मार्क्स 200 मार्क्स तक पहुँचे हो ईजी और मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब डिफरेंस कहाँ आएगा एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में? एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में डिफरेंस आपका ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट हो या यूजी नेट हो या फिर IAS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एवरेज स्टूडेंट को टॉपर स्टूडेंट से एक चीज़ डिफर करेगी, वो ये है कि अगर वो जो टॉपर स्टूडेंट है वो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, वो कॉम्प्लेक्स जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर जा रहा है, और जो बाकी जनता है 9000 स्टूडेंट्स वो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली टॉपर होगा ही होगा क्योंकि वो उनसे कुछ अलग कर रहा है। तो अगर आपको JRF के लिए JRF टारगेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ये इंश्योर करना ही होगा कि आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, हर एक सब्जेक्ट में इजी, मीडियम और हार्ड लेवल तीनों की तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पा रहे हो। सो ये था पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए कैसे मैंने प्रिपेयर किया, और आप इनमें से एक पॉइंट उठा सकते हो। आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला है वो यही है कि पहले गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस के टाइम पे, पहले थ्योरी तो पूरी कंप्लीट कर ही सकते हो, 4 मंथ्स इनफ है हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आप 15 सब्जेक्ट्स हैं गेट यूजी नेट के अंदर, उन सबको ढंग से कर सकते हो 4 मंथ्स के अंदर। अगर यूजी नेट का एग्ज़ाम एक साल में एक ही बार हो रहा है, यानी कि अगले इस साल 2018 में भी नवंबर में ही होगा, लेट से अभी कुछ क्लियर नहीं है कि पेपर एग्ज़ाम जो है 2 बार होगा या 1 बार होगा, तो अगर जून में हो रहा है तो प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके तब भी आप JRF क्वालिफाई कर जाओगे आराम से, 6 मंथ तो मोर देन इनफ है, लोगों ने 1 महीने में भी प्रिपरेशन करके किया है। मैंने जो प्रिपरेशन की थी मेरी 2 महीने की प्रिपरेशन थी सिर्फ। तो अगर आप एग्ज़ाम जो है वो इस 2018 के एंड में होगा नवंबर में, तो फिर तो आप पूरे सिलेबस को 2 बार पढ़ सकते हो। अगर किसी के अंदर डेडिकेशन है, अब यहाँ पे बिल्कुल फ़र्क आएगा अगर कोई जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा है और कोई ड्रॉप आउट करके प्रिपरेशन कर रहा है। तो अगर यूजी नेट एग्ज़ाम 1 बार ही हो रहा है एक साल में,
तो जॉब छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप इजीली आप जॉब के साथ कर सकते हो। ओके तो जिस तरह की तीन तरह की कैटेगरीज होंगी, एक एक स्टूडेंट्स वो होंगे जो एम टेक फाइनल ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, जो अपने एम टेक फाइनल ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूजीसी नेट का। दूसरे लोग वह हैं जो टीचिंग की जॉब के साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, जो कहीं पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और वो एज ए वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तीसरे लोग वह हैं जो एम टेक कर चुके हैं और वो ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो स्पेशल एडवाइस फॉर दोज जो किसी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अभी पहले ही वर्क कर रहे हैं, एज ए लेक्चरर वर्क कर रहे हैं, तो उनके पास में सबसे बेस्ट चांस है इसको एग्जाम को क्रैक करने का। ओके, सबसे जो फायदे में स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ वही हैं जो टीचिंग की जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, तो उनके पास में सबसे अच्छा चांस है इसको क्रैक करने का। वो अच्छा चांस कैसे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई के टच में हैं, उनको खुद को मोटिवेट करने की नहीं पड़ रहा है डेली, उनको मोटिवेट होना ही पड़ेगा क्योंकि इनको जॉब करनी, उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनको पढ़ाना है तो उनको पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, तो जब वो पढ़ रहे हैं तो बस वहाँ पे डिफरेंस ला सकते हैं, जो वो पढ़ रहे हैं ना उसमें अगर वो डिफरेंस ले आए तो जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें तो खुद ही डिफरेंस आ जाएगा। ओके, जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसे सोच के पढ़ोगे मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि मैं सब्जेक्ट वही मेरे पास मुझे वो मिले जो एग्ज़ाम में आने वाले थे तो मैं उनको ढंग से पढ़ा। तो आप सब्जेक्ट को जब और डीप में पढ़ोगे तो आप क्लास में भी उनको ढंग से एक्सप्लेन करोगे। ओके, जितना डीप में आप खुद पढ़ोगे, जितनी डीप में आपको अच्छी नॉलेज होगी उतना अच्छा आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आप पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी दोनों तरह से ग्रो कर रहे हो अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका लेक्चर भी की डिलीवरी भी और ज़्यादा अच्छी होगी, और आपने खुद के लिए पढ़ा, आपने उस एग्ज़ाम को उस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ा तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होगी। ओके, तो आप सबसे ज़्यादा फायदे में हो जो जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जो ऐसे कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं। सेकेंड लोग वो हैं, ओके, तो उनके लिए स्पेशल एडवाइस क्या है, जो जो पहले से जॉब कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एडवाइस यही है कि बस अपनी जॉब ढंग से करें, जॉब अच्छे से करेंगे। मैंने भी वही किया था। जॉब अच्छे से करने का मतलब ये है कि डिलीवरी जॉब जो पढ़ा रहे हो वो इतने अच्छे से पढ़ाओ कि वो जस्टिफाई हो जाए आपकी जॉब के। हाँ सही है, आप ढंग से पढ़ा तभी पाओगे जब आपने खुद से ढंग से पढ़ाए। ओके, सेकेंड लोग वो है जो जो एम टेक के फाइनल ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एम टेक के फाइनल ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी फायदे में ही हो, क्योंकि आपके पास में वर्कलोड इतना नहीं है। फाइनली आप थीसिस पे काम कर रहे हो या मोस्ट प्रोबेबली आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो आपके पास में फ़ायदा क्या है, जो जिनकी मैं पेपर थ्री में जिन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, जो पेपर थ्री में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जो जो आपके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा माइनिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, न्यूरल नेटवर्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब आपके एम टेक के कोर्सेज हैं जो यूजुअली बी टेक में नहीं होते लेकिन एम टेक में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप फ्रेशली उन सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। तो सिंपली यही है कि स्पेशल एडवाइस कि एम टेक ढंग से करें। एम टेक ढंग से करना मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट्स जो हैं, जो जो इन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूजीसी नेट पेपर थ्री के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्टिव्स में थे पहले लेकिन अब सबके सब पूछे जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ो, क्योंकि वो आपके एम टेक के थर्ड सेमेस्टर में आपको पास करने के लिए तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, प्लस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा ही दे रहे हैं। अगर आप एम टेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप गेट की प्रिपरेशन कर ही चुके होंगे, यानी कि आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे होंगे ही होंगे पहले से ही, जो प्रोग्रामिंग और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हैं ये आपके पहले से अच्छे से होंगे ही होंगे क्योंकि आप बी टेक करके आ चुके हो, और अगर आप एम टेक कर रहे हो तो आपने एक बार तो गेट की प्रिपरेशन करी ही होगी। तो आपको सिर्फ आपके आपको करना क्या है, जो और सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। जो ड्रॉप कर रहे हैं सो ड्रॉप करने वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ देख लेनी है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। ओके, तो अगर आप जॉब अगर आप सिर्फ ड्रॉप आउट कर आप ड्रॉप कर रहे हो 1 ईयर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए ही, तो आपको सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करनी है, वह है कंसिस्टेंसी। ओके, अगर आप एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो और दूसरे दिन आपने एक भी मिनट नहीं पढ़ा तो वेस्ट है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको डेली पढ़ना है, रूथलेस हो गए बिल्कुल, हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी शादी हो या कोई मर गया हो या कुछ लेट से ईद हो या दिवाली हो, कुछ भी हो लेकिन आपको पढ़ना है, वो 2 आवर्स आपके फिक्स हैं। ओके, तो जैसे कि मैं अभी एक आईएएस का इंटरव्यू देख रहा था, उस आईएएस का कहना ये था कि मैंने जो प्रिपरेशन की, मैंने आईएएस मुझे पहले ही कुछ नहीं पता था उस मुझे आईएएस एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं पता था 2 साल पहले, मैंने 2 साल प्रिपरेशन की है सिर्फ, और उन 2 साल में उसने क्या किया, उस बंदे ने, उसके घर में कुछ भी हुआ उसका 2 आवर्स फिक्स था, वो था सुबह से 6 to 8 AM, उसने 2 घंटे ही पढ़ाया 2 साल तक, 2 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट नहीं पढ़ा उसने। ओके, आप सोचते होंगे आईएएस वाले जो हैं वो भी 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसने क्या किया था, उसने ड्रॉप किया और 2 साल डेली 2 साल तक 2 घंटे डेली पढ़ा, 2 आवर्स सिर्फ, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे ईद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में कोई मर गया हो या शादी हो रही हो, कुछ भी हो, उसका कहना यही था, एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे कि मेरे घर में कोई मर भी गया हो ना तो भी मैं उस दिन 2 घंटे पढ़ा ज़रूर हूँ, मैंने वो 2 आवर्स की स्टडी नहीं कभी छोड़ी।
तो वो चीज़ जो वो 2 आवर्स की स्टडी क्या थी, उसकी कंसिस्टेंसी थी, उस कंसिस्टेंसी को ही वो लेके आईएएस बन गया। ओके, ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू है अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो मैं भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत सारे हैं। ओके, डिस्ट्रैक्शन आर इन्यूमरेबल। जैसे आप देख लो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप मोबाइल को भी दूर नहीं रख सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो हमारी टेंडेंसी है कि मोबाइल में अगर एक भी नोटिफिकेशन आ गया तो पहले मोबाइल को देखेंगे। हर जगह प्रायोरिटी हमारी मोबाइल फ़ोन ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है, बस कुछ चीज़ें उनमें से हटा देनी है। ओके, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप 6 मंथ के लिए 4 आवर्स भी डेली पढ़ते हो इसी नेट के लिए, तो JRF आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, ये कि अगर 4 आवर्स आज डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एक दिन भी छूटा तो 6 डेज जो है आप पीछे चले जाओगे, जो आपने कल पढ़ा था वो भूल गए, जो कल पढ़ने वाले हो वो जो कल पढ़ा था वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो 3 दिन वेस्ट हो गए। ओके, तो मेन चीज़ उनके लिए कंसिस्टेंसी है। तो तीनों लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है ये मैं बता चुका हूँ। ओके, सो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, और जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए क्या टिप्स थी वो मैं बता चुका हूँ। लास्ट में चीज़ ये है कि आपको टारगेट कितने मार्क्स के लिए करना है। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, और जब आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 200 मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और JRF के लिए 230-240 आसपास। ओके, OBC में 220 एंड 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो अभी रूल चेंज हुआ है UGC NET का, जो जनवरी में नहीं था, जो नवंबर में चेंज हुआ है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है। अगर आप UGC NET देखोगे, जनवरी वाला रिजल्ट देखो और नवंबर वाला रिजल्ट, तो 3 गुना फ़र्क है। मतलब अगर आप JRF देखो तो सिर्फ 26 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था जनवरी में, लेकिन 58 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है नवंबर वाले एग्ज़ाम में, तो 3 गुना रिजल्ट रहा है। ओके, मतलब थ्री टाइम्स जो है लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो इस रिजल्ट जो है इम्प्रूव ही हुआ है, और वो इम्प्रूव ही होगा, इस रूल के आने का फ़ायदा ही हुआ है। ओके, इस रूल का आने का फ़ायदा क्या हुआ है कि 3 गुना ज़्यादा लोग जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, अब ये रूल अच्छा रहा है। तो अगर आप लेट से OBC में हो तो आपको कितने मार्क्स आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 और JRF के लिए 220। ओके, अगर आप जनरल में हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 210 एंड JRF के लिए 240। तो ये टारगेट रहना चाहिए। तो उस मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको अगर 200 लेट से आप 190 मार्क्स तक पहुंचने के लिए 190 मार्क्स तक आप सब जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सब सब्जेक्ट पढ़ के आप कर जाओगे, लेकिन 240 जो आपको JRF बनाएगा, जो आपको टॉपर बनाएगा, वो टॉपर बनने के लिए आपको वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं UGC NET के। ओके, तो उनके लिए मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत सर्च किया कि कहीं किसी ऑफलाइन कोचिंग में या कहीं भी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहे हैं। तो फाइनली मैंने GateLectures.com पे ही बहुत सारे, यहाँ पे ही सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने वीडियोज़ देखी थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ायदा क्या हुआ है, अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ है वो हैं। तो यहाँ पे मुझे लीनियर प्रोग्रामिंग की मिल गई, जो अमित सर पढ़ाते हैं, हमें IIT दिल्ली से हैं, ठीक है, उनकी लीनियर प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ मिल गई, तो मैं उनसे पढ़ पाया लीनियर प्रोग्रामिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और AI की जो वीडियोज़ थी वो तो मैंने ही बनाई थी। ओके, क्योंकि मैं अब GateLectures.com के साथ में काम कर रहा था उस टाइम, अभी भी। ओके, तो वो सब वीडियोस जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और AI की वीडियोस बनाई, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट, वो दोनों सब्जेक्ट बहुत ही डीप में पढ़े थे, तो वो डीप में पढ़ने का फ़ायदा यही हुआ कि मैं उनको उनके क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर पाया। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगली वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हो आप, और अगर आपको और गाइडेंस, आपको ये चाहिए कि मैंने और किस जो चीज़ इस वीडियो में छूट गई है, ओके, जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन, ढंग से प्रिपेयर करें। थैंक यू।